हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से यहाँ अच्छी हूँ। और अभी यहाँ शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने। तो मैं आप लोग को बताती हूँ आज मैं क्या पका रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं बताने वाली थी कि नहीं, आप लोग बोलोगे कि आप बार बार हमें सिर्फ खाने का वीडियो बताते हो, लेकिन क्या करूँ, आप लोग को मैं बाहर का भी जो मुझसे हो रहा है मैं बता रही हूँ। और जो मैं अभी आप लोग को जो भी घर का है या फिर जो भी कुकिंग का है, जो भी मैं बता रही हूँ, प्लीज़ आप उसको ज़रा प्लीज़ देख लिया करो, क्योंकि अभी अभी मेरा कंडीशन जैसे आपको बताई अच्छा नहीं है। तो मैं आप लोग को शॉपिंग करते हुए नहीं बता सकती हूँ और मैं बाहर का भी ज़्यादा वीडियो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और तो मैं बाहर लेने के लिए मुझे बहुत परेशानी से लेना पड़ता है मुझे, क्योंकि हर कोई देखने लग जाते हैं और वो लोग मुझसे पूछने लग जाते हैं। तो अभी मेरा वीडियो इतना फेमस भी नहीं और ना ही मैं, तो मेरा भी मतलब चैनल भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं लोग को जवाब दे सकूँ। तो इसलिए मैं बाहर का वीडियो बहुत कम बना पा रही हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। और जैसे भी मुझसे हुआ मैं बाहर का भी आप लोग को बताऊँगी और घर का भी बताऊँगी। तो बस अभी मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, और साथ में मैं आज फ्राई करने जा रही हूँ चिकन। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, तो मैं बताती हूँ। तो मैं आज पहली बार ये कैमरा पकड़ के बना रही हूँ, तो प्लीज़ कुछ बात नहीं समझ में आएगी आपको तो इग्नोर कर लेना, क्योंकि मैं मतलब पहली बार ऐसा क्या कहते हैं उसे, पहली बार मैं ऐसा मैं खुद भूल गई बोलना, मैं बताती हूँ। पहली बार ये मैं मोबाइल पकड़ के बना रही हूँ, मैं तो मेरी बेटी ही बनाती है। तो चलिए फिर मैं आप बताती हूँ तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ मैं जा रही हूँ मसूर की दाल बनाने। तो इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ और मैं उसमें टमाटर, हरी मिर्ची और कांदा डालूँगी, और साथ ही साथ सूखे मसाले भी डालूँगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लेकर आई हूँ, वो मैं कैसे फ्राई करती हूँ वो भी आप लोग को बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को कैसा लगे मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, एक बात और आप लोग को कहना है कि आप लोग मुझे कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको कैसे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप लोग को कैसे वीडियो पसंद आते हैं, मुझे कैसा बनाना चाहिए, तो आप बता सकते हो। मुझे कुछ बुरे नहीं लगता है, आप लोग मुझे आइडिया दोगे तो मुझे कुछ समझेगा। लेकिन हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि जैसे मेरी कंडीशन के हिसाब से आप लोग बताना। और मैं उम्मीद करूँगी कि ज़रूर मैं आप लोग के जो भी आप लोग की फरमाइश है इंशाल्लाह मैं पूरी करूँ, क्योंकि अब बस अभी जो कुछ है मैं चाहती हूँ अच्छे से अच्छा बनाऊँ और आप लोग तक पहुँचाऊँ। बस अभी जो भी है, मैंने आप लोग से जो भी बात करनी थी शेयर कर ली। अभी चलिए मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए डालने जा रही हूँ। तो ये है टमाटर, कांदा और मिर्ची, ये सब मैं डाल देती हूँ। और इसमें क्या क्या सूखे मसाले वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें आधा चम्मच में हल्दी डालती हूँ और एक चम्मच मैं मिर्ची वाली लेती हूँ बस। और मैं इसमें अभी पानी डाल दूँगी और अपना क्या कहते हैं नमक डाल दूँगी। ये आप देखो, यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ अपने हिसाब से, जितना हमें लगता है आप अपने हिसाब से डालना, आपको जितना लगे उसमें पानी डाल दूँगी। साढ़े तीन गिलास पानी ले लेती हूँ और इसमें मैंने सारा मटेरियल डाल दी, जो जो मुझे डालना था वो आप लोग को मैंने बता दी। और इसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी दाल बनाती हूँ तो उसमें तेल ज़रूर डालती हूँ। दाल चढ़ा देती हूँ और साथ ही साथ में यहाँ पे चिकन मसाला लगा देती हूँ। चिकन फ्राई करने के लिए मसाला लगा लेती हूँ तो आप लोगों को बता दूँ।
अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना ली थी जो उसके लिए डाल दी थी। और इसमें ये करीब थोड़ा सी दही हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच। वैसे तो बहुत तरह से इंसान फ्राई करने का काफ़ी तरीका इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं करती हूँ मगर तो मैं ज़्यादा करती इस तरह करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और मैं बिना दही के भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मैं आज सोची चलो आप लोग को ऐसा बता दूँ, कभी आप लोग अपने तरीके से भी वो भी बता दी, और ये भी मेरा तरीका है, मैं बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं जैसे भी बनाती जो भी बनाती हूँ इस तरह से बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना मेरा फर्ज बनता है। तो बस यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और नहीं भी अच्छा लगे तो भी आप लोग बता सकते हो मुझे। हाँ मैंने सब मसाला अच्छी तरह से लगा ली हूँ, और अब इसे मैं आधा घंटे के लिए रख देती हूँ, उसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से पक गई है और अच्छी तरह से गल भी गई, इसे मैं थोड़ा हल्का हल्का घोट लेती हूँ ताकि जो हमने टमाटर और मिर्ची डाले वो भी अच्छी तरह से मिल जाए। पानी डाल दी हूँ, बस अभी मैं इसे अच्छी तरह से फैला लेती हूँ और उसके बाद हमारी दाल अच्छी तरह से खौल गई है। अब इसे हम बघार लगाना, तो चलिए बघार लगा लेते हैं। इसे बघार भी बोला जाता है और तड़का भी बोला जाता है। सब लोग अपने अपने से बोलते हैं, आप मुझे क्या क्या डालना है मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं लहसुन का बघार करती हूँ, लहसुन जीरा राई का, लेकिन और कड़ी पत्ती का, लेकिन अभी मेरे पास लहसुन में ये ख़त्म हो गया, तो इसे मैं बघार कर दिया। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ज़्यादा लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी सी राई ले ली और ये जीरा ले ली,
इसमें एक चम्मच होगा ज़्यादा नहीं, और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता आप देख रहे होंगे, और हमें अपनी थोड़ी सी तेल डालना है। तो ये हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, कभी इसमें राई डाल दी थी और साथ ही साथ इसमें अपना जीरा भी डाल दी थी। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने जीरा भी डाल दी और राई भी डाल दी, आपने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। दाल में दूध डालने से दाल का स्वाद बहुत अच्छा है, फायदे के लिए भी। तैयार हो गई है, और आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आपको सोच रहे हैं आप लोग अच्छे बताते हो, तो अगर उनसे कुछ गलती हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग वो भी बता दिया करो, कुछ भी नाराज नहीं होगी। उसे मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ मेरा सही चल रहा है और कहाँ मैं गलत चल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे मालूम पड़ेगा, तो आप लोग मुझे बता दिया करो। गरम हो गई है, अब इसमें तेल डाल देती हूँ। मेरा गैस आप देख सकते हो इतना छोटा किचन में फूटता है, इतनी परेशानी उठाना पड़ती है, लेकिन क्या करना। ट्राई कर लूँगी, और यहाँ बाकी में मेरे चावल भी, यहाँ मेरे चावल भी सबने आ गए। अब इसे थोड़ा सा पानी है, हमें इसे हल्का सा पानी है, थोड़ा भी बहुत कम है, तो इसे दम पे रख लेती हूँ। यहाँ बाकी में चावल भी तैयार हो जाएंगे, इसे पहले और इसे फिर मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। चिकन फ्राई कर लूँ, और यहाँ पे चावल मैंने जो रेसिपी बना चुकी थी, तो बस यहाँ पर जो भी मेरा खाना पकाना था मैं आप लोगों को बताई, चिले से मैं आप लोग से बनाती हूँ। तो आपने देख लिए कि मैंने क्या क्या बनाई, तो जो भी मैंने बनाई आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, जैसे कि चिकन फ्राई करना और दाल रोटी, सॉरी रोटी तो नहीं बताई क्योंकि मैंने रोटी बना चुकी थी, दाल चावल और चिकन फ्राई करी। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और ठीक है अभी फिर मेरा वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और जिसको नहीं भी अच्छा लगे तो भी प्लीज़ लाइक करना, और फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ अगले वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।